गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर केंद्र ने राज्य सरकार को दिखाई आंख। राजनाथ सिंह ने सीएम को घुमाया फोन। गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर राजनाथ सिंह ने जताई नाराजगी। बिहार के वैशाली जिले में भारतीय सेना के शहीद जवान के पिता के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और गिरफ्तारी का मामला केंद्र तक पहुंच गया है। बुधवार को विधानसभा में हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश से बात कर मामले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के वैशाली जिले के जंदहा में भारतीय सेना के शहीद जवान के पिता के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और गिरफ्तारी मामले की निंदा की है। सीएम नीतीश से बात कर रक्षा मंत्री घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वही इस मामले पर एडीजी मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि लद्दाख के गलवान घाटी के शहीद हुए वैशाली के जवान के पिता साथ प्रशासन के द्वारा गलत व्यवहार और जेल भेजने के मामले में जांच टीम का गठन किया गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने नीतीश सरकार पर भारतीय सेना के अपमान का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि वैशाली में शहीद के पिता को जेल भेज दिया गया है। सेना किसी पार्टी का नहीं होता, सेना पूरे देश का होता है। यह पूरे देश का अपमान है। शहीद जवान के स्मारक बनने से जुड़ा है मामला। बता दें कि मामला वैशाली जिले के जंदाहा थाना के चकफताई गांव का है। शहीद के स्मारक बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। शहीद सैनिक जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को शनिवार रात जंदाहा में SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपित अपने बेटे का स्मारक उनकी जमीन पर अवैध रूप से करवा रहे थे।